दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जीओ एकेडमी में। मैं आज आप सबको बताऊंगी संविदा शिक्षा ग्रेड फर्स्ट केमिस्ट्री का सिलेबस। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया है ग्रेड फर्स्ट, और मैथ्स का सिलेबस बता दिया है ग्रेड फर्स्ट, एंड हिंदी का भी ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस बता दिया है। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं रसायन शास्त्र की, है ना। ग्रेड फर्स्ट का ये सिलेबस है, इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों मैंने इसे हिंदी में इसलिए सारे सिलेबस मैं हिंदी में इसलिए बना रही क्योंकि क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा है कि हिंदी में बनाएं आप, तो हमने हिंदी में बनाना स्टार्ट कर दिया। चलिए अपन आगे देखते हैं कि अपन को पता है कि केमिस्ट्री 3 टाइप्स में बटी हुई है। एक फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और तीसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अकार्बनिक रसायन। चलिए अपन देख लेते हैं आगे, ठीक है। भौतिक रसायन में क्या क्या चीजें हैं? इसमें है पहला प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, कृष्णिका विकिरण, प्लैंक का विकिरण नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल और कॉप्टन इफेक्ट। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं आगे। सेकेंड नंबर में है आणविक कक्षा सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत। प्रमुख उसकी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? आणविक कक्षा निर्माण, LCAO द्वारा आणविक कक्षा निर्माण कैसे होता है? तरंग फलन द्वारा ऊर्जा स्तरों की गणना, आवंधन तथा प्रति आवंधन तरंग फलनों का भौतिक चित्रण, सिग्मा एवं पाई आवंधी प्रति आवंधी कक्षकों की अवधारणाएं, संकरण प्रकार sp2 sp3 संकरण की विशेषताएं। ओके, चलिए देख लेना। हाइड्रोजन के संयोजन बंध मॉडल का प्रारंभिक परिचय, याद रखिए आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। ओके, जो जो दिया हुआ है वही वही पढ़ना है आपको, कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड रमन स्पेक्ट्रम। ध्रुवणीयता की अवधारणा, द्विपरमाणीय अणुओं के लिए विशुद्ध घूर्णन एवं विशुद्ध कंपन, वाइब्रेशनल एवं रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वर्ण नियम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, आवंधन एवं प्रतिआवंधन, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ओके एंड बॉन्डिंग, ऑर्बिटल कक्षकों हेतु स्थितिज ऊर्जा वक्रों की अवधारणाएं। ओके, अब देखना है अपन को वर्ण नियमों का गुणात्मक विवरण। फ्रैंक कोंडल सिद्धांत क्या है? सिग्मा पाए तथा कक्षकों के आणविक का गुणात्मक विवरण किस प्रकार दिया गया है? उनके ऊर्जा स्तरों ऊर्जा स्तर तथा तत्संबंधी संक्रमण किस प्रकार का होता है ये देखना है अपन को। अपन आगे बढ़ते हैं, प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। पदार्थ विकिरणों की पारस्परिक संबद्धता, ओके देखना है कि फोटो एंड रेडिएशन में दोनों में क्या रिलेशन है ये देखना है। ऊष्मीय थर्मल एंड फोटो केमिकल जो प्रोसेस होती है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसेस है? प्रकाश रसायन के नियम, इन दोनों में अंतर भी देखना है आपको। ऊष्मीय एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यही बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि ऊष्मीय ऊष्मीय जो होती है वो जो कोई भी रिएक्शन हो जो ऊष्मीय है वो अंधेरे में भी हो सकती है, डार्क में, है ना। आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है बस, प्रकाश में क्या होता है आपको लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देख लें, है ना। प्रकाश रसायन के नियम, ग्रोथ ड्रेपर नियम, स्टॉर्क आइंस्टीन नियम, उत्तेजित अवस्था में होने वाली विभिन्न प्रविधियों को दर्शाते हुए ज्वलनस्की आरेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वलनस्की आरेख, फ्लोरेसेंस, है ना, फास्फोरेसेंस, अविकिरणीय क्रियाविधि, है ना, ये देखना है आपको। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अंतर परिवर्तन अंतर निकाय, लॉधन क्रॉसिंग, क्वांटम कक्षक प्रकाश सुग्राहिता अभिक्रिया क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण क्रियाविधि, है ना, एक सरल उदाहरण के माध्यम से आपको बताना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, भौतिक गुण तथा आणविक संरचना, है ना, ये देखना है। प्रकाशीय सक्रियता क्या होती है? ध्रुवण, ये देखना है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवीय अभिविन्यास, द्वि
धुवणी आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अपवर्तन विधि क्या है, ताप विधि द्वारा द्विध्रुवीय आघूर्ण का मापन किस प्रकार किया जाता है ये देखना है आपको, द्विध्रुव आघूर्ण तथा अणुओं की संरचना, ओके ये देखना है, चुंबकीय गुण, पराचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकत्व, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा पराचुंबकीय अनुचुंबकीय, सॉरी है ना, इन तीनों में कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन है ना इसमें सिर्फ ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की वजह से अपन पराचुंबकीय अनुचुंबकीय और लौह चुंबकत्व को बांटा गया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन विलयन है ना, तनु विलयन, अणुसंख्या गुणधर्म है ना, और आदर्श और अनादर्श विलयन, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या है, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक क्या है, राउल्स लॉ, ओके ये देखना है आपको, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अणुभार का निर्धारण, पराशरण पराशरण दाब नियम इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, पराशरण दाब द्वारा अणुभार निर्धारण, क्वथनांक में उन्नयन, ये अपन ने 11th या 12th में पढ़ा था, इसको पहले आप बेसिक समझ लीजिएगा, फिर देन जो है आप यूजी की बुक पढ़िएगा, हिमांक में अवनयन ठीक है ना, अणुभार क्वथनांक उन्नयन हिमांक में अवनमन में संबंध, उष्मीय उष्मा गतिकीय व्युत्पत्ति, विभिन्न अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रयोगात्मक विधियों द्वारा निर्धारण, असमान अणुभार वाले विलेय का वियोजन किस प्रकार का होता है, चलिए अपन देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब बात आ गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अकार्बनिक रसायन, अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस क्या है, अम्लों और क्षारकों का कठोर एवं मृदु के रूप में वर्गीकरण, पियर्सन है ना ये देखना है, हार्ड एंड सॉफ्ट है ना ये चीज़ देखना है, इस सॉरी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस देखना है, अम्ल एवं क्षार प्रबलता कठोरता एवं मृदुलता मृदुता सहजीविता सिम्बियोसिस ये इंपॉर्टेंट है ना ये देखिए जरूर देखिएगा, सैद्धांतिक के आधार और कठोर कठोरता एवं मृदुता, विद्युत ऋणात्मकता कठोरता ये देखना है और मृदुता देखना है ठीक है ना, ये बहुत ईजी चैप्टर है, आपको यूजी की बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, आपके पास केमिस्ट्री की बुक होगी ना है ना, तो यूजी की होगी तो आप प्लीज़ उससे से पढ़िएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ओके, कॉम्प्लेक्स में कैसे फॉर्मेशन होता है, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंध क्या होता है, संयोजन बंध सिद्धांत क्या सीमाएं हैं, क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड थ्योरी ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, प्रारंभिक ज्ञान, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय एवं वर्ग समतली संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र, प्रकीर्णन किस प्रकार स्प्लिटिंग किस प्रकार की होती है ये देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किससे अष्टफलकीय से ठीक है ना, और चतुष्फलकीय से वर्ग समतली संकुलों के क्रिस्टल से स्प्लिटिंग की ज़्यादा आती है ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टल क्षेत्र मापक को प्रभावित करने वाली कारक का। ये देखना है आपको, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, धातु संकुलों की उष्मा गति एवं बल गति की अवधारणा, धातु संकुलों की उष्मा गति की स्थायित्व की संक्षिप्त रूपरेखा एवं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या है ये देखना है आपको ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, संक्रमण संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, चुंबकीय सुग्राहिता की मापन की विधियां ओके। चलिए अपन पढ़ते हैं 5th नंबर की ओर, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, संक्रमण के लिए चयन नियम, स्पेक्ट्रोस्कोपी मूल अवस्थाएं, रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी D1 से लेकर D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर ये करना है, संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम का विवेचन करना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, हाँ जैव अकार्बनिक रसायन, इसे क्वेश्चंस आते हैं, जैविक प्रक्रियाओं में अनिवार्य
रूप एवं सूक्ष्म तत्व, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन क्या डिफरेंस है, ओके, हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन क्या स्ट्रक्चर है, आधारभूत ज्ञान, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व, विशेषकर Ca+2 के संदर्भ में, ओके, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखना है, ठीक है ना। अपन चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, चल देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बन धातु यौगिक, गैग्नार्ड रिएजेंट निर्माण, गैग्नार्ड मतलब गैग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या होती है, जैसे H2O से रिएक्शन करता तो क्या बनता है ना, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कार्ब जिंक यौगिक, ओके, जिसमें कार्बन और जिंक जो यौगिक मिलके बने होते हैं, कार्ब जिंक यौगिक कहते हैं, इनका फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, कार्ब लिथियम मतलब एक कार्बन का होगा और एक लिथियम का होगा, ठीक है ना, मिलकर के यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपन ये देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कार्ब सल्फर यौगिक है ना। देखिए अपन ने कार्ब जिंक पढ़ लिया है ना, कार्ब लिथियम पढ़ लिया, अब कार्ब सल्फर यौगिक देखना है, तो इसमें थायोल थायोइथर सल्फोनिक अम्ल सल्फोनामाइड एंड सल्फा ग्वालिनिडीन, ठीक है ये देखना है आपको। इनमें जो है बनाने की विधियां जरूर देखनी है, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, नामकरण एवं रचनात्मक लक्षण ये देखना है। ये यूजी की बुक में मिल जाएगी 6th या 5th सेमेस्टर में, है ना, इसे जरूर देखें। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित बहुलक, ठीक है ना, पॉलीमर्स हैं ये, एडिशन अथवा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैसा होता है ना, मुक्त मूलक और आयनिक वाइनिल बहुलीकरण, जिगरनाटा बहुलीकरण एवं वाइनिल बहुलक, ओके, ये देखना है आपको। संघनन कंडेंसेशन किस प्रकार का होता है, पॉलीएस्टर पॉलीएमाइड फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूरिया है ना, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एपॉक्सी रेजिन एवं पॉलीयुरेथेन प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबड़, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट भी इंपॉर्टेंट है, बैकलाइट भी देख लीजिएगा आप, है ना, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बैकलाइट बनता है। अपन देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। विषम चक्री यौगिक परिचय, पायरोल क्या है, फ्यूरोल क्या है, ओके, थायोफिन क्या है, पिरिडिन की आणविक कक्षक, परिदृश्य, एरोमेटिक अभिलक्षण, संश्लेषण की क्या क्या विधियाँ हैं, विशेषता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, पिरिडिन पिरिमिडिन और पायरोल की भस्मिकता तुलना, ठीक है ना, कितनी एसिडिटी रहती है, मतलब कितना एसिडिक रहता है ये देखना है आपको। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पिरिमिडिन व्युत्पन्नों में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं देखना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 5 एवं 6 सदस्यीय संगणित विषम चक्रीय यौगिकों का परिचय, इंडोल क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, फिशर इंडोल संश्लेषण, स्कार्फ संश्लेषण, विस्लर नेपियरस्की संश्लेषण के विशिष्ट संदर्भ में, इंडोल एंड क्यूनोलिन एवं आइसोक्यूनोलिन इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया भी देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नामकरण मोनोसेक्राइड ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि ग्लूकोज फ्रैक्टोज का अंतर रूपांतरण एल्डोज एवं श्रृंखला आरोहण और श्रृंखला आरोहण दोनों मोनोसेक्राइड्स का अभिविन्यास ग्लूकोज का मैनोज में रूपांतरण ग्लूकोसाइड इथर एस्टर बनाने की विधियां ग्लूकोज चक्रीय संरचना म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि रेबोज डीऑक्सीरेबोज मतलब डीएनए आरएनए सॉरी नहीं नहीं गलत है रेबोज एंड डीऑक्सीरेबोज की संरचना डाइसेक्राइड माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज है ना पॉलीसेक्राइड स्टार्च एंड सेलुलोज इन दोनों के फॉर्मूले स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्मूले आपको आना चाहिए कि परिचय अध्ययन संरचना और निर्धारण छोड़ करके ओके अपन आगे बढ़ते हैं। वसा फैट्स ऑयल एंड डिटर्जेंट है ना अपमार्जक प्राकृतिक वसा खाद्य एवं
औद्योगिक तेल का उद्भव, समान वशी अम्ल ग्लिसराइड, असंबद्ध तेलों का हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण मान, आयोडीन मान, अम्ल मान, साबुन, संश्लेषित अपमार्जक, एल्किल एवं एरिल सल्फोनेट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ को। एमिनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए आरएनए है ना। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण किस प्रकार का होता है? त्रिविमीय संरचना, अम्ल क्षारक व्यवहार, समविभव बिंदु, वैद्युत कण संचलन, अल्फा अमीनो अम्ल की बनाने की विधियां क्या हैं? प्रोटीन का वर्गीकरण, पेप्टाइड संरचना का निर्धारण, समूह विश्लेषण, पेप्टाइड का वर्णात्मक जल है ना जल अपघटन, क्लासिकल ठोस प्रावस्था, पेप्टाइड संश्लेषण, पेप्टाइड में एवं प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन संरचना के स्तर, प्रोटीन विकृतिकरण, ये देखना है आपको। ओके, न्यूक्लिक एसिड परिचय। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए सॉरी राइबोस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है ना, इसी में डीएनए और द्वी कुंडली संरचना देखना है आपको। अब अपन देखेंगे संश्लेषित रंजक। हाँ याद रखिए डीएनए आरएनए में दोनों में जरूर अंतर रखिएगा, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। संश्लेषित रंजक रंग है ना, डाइज बोलते हैं सिंथेटिक डाइज बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या क्या है? रंजों का वर्गीकरण किस प्रकार का होता है? मेथिल ऑरेंज, कांगो रेड, मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फेनोप्थिलीन, एलिजेरिन, इंडिगो का संश्लेषण किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, यह मेरा वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।